गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वह हैं मेल स्टेबिलिटी एंड सेल्फ इनकम्फर्टेबिलिटी। मोस्टली लोग कन्फ्यूज रहते हैं मेल स्टेबिलिटी एंड सेल्फ इनकम्फर्टेबिलिटी में, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों टॉपिक्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दोनों, ये मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मेल स्टेबिलिटी एंड सेल्फ इनकम्फर्टेबिलिटी। चलिए डिस्कस करते हैं मेल स्टेबिलिटी पर। पहले मेल स्टेरिलिटी नरबद्धता इसे बोलते हैं, क्या होती है इसमें, ये फ्लावर पार्ट्स हो गया, फीमेल पार्ट्स फ्लावर का, ये है इसे बोलेंगे हम स्टिग्मा, स्टिग्मा। और ये जो पार्ट्स हैं स्टिग्मा के नीचे इसे बोलेंगे स्टाइल, स्टाइल। और ये जो पोर्शन है ये इसे हम बोलेंगे ओवरी, ओवरी। और ओवरी के अंदर जो है वो है ओव्यूल, ओव्यूल। और ये हुआ एंथर, मेल पार्ट जो एंथर, यही जो एंथर हैं ये पोलन प्रोड्यूस करते हैं, पोलन बनते हैं एंथर से। और ये हुआ इसका जो फिलामेंट्स, फिलामेंट्स। अगर हम बात करें मेल स्टेबिलिटी की तो इसमें क्या होता है, जो एंथर होता है, एंथर जो पोलन, ये जो पोलन प्रोड्यूस होते हैं ये पोलन नॉन फंक्शनल पोलन प्रोड्यूस करते हैं, नॉन फंक्शनल। या तो ये पोलन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, पोलन एब्सेंट होंगे, और पोलन होंगे प्रोड्यूस करेंगे तो नॉन फंक्शनल प्रोड्यूस करेंगे, तो इसे हम मेल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो इससे ना तो सेल्फ पोलिनेशन होगा ना क्रॉस पोलिनेशन होगा, तो ये ना तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के साथ फ्यूज होंगे ना सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के साथ, तो इसे हम कहते हैं मेल स्टेबिलिटी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट्स, प्लांट आर अनेबल टू प्रोड्यूस फंक्शनल पोलन, आर कॉल्ड मेल स्टेबिलिटी। तो प्लांट्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस फंक्शनल पोलन आर कॉल्ड मेल स्टेबिलिटी। मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो जो फंक्शनल पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने में असमर्थ होते हैं, फंक्शनल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उन्हें हम मेल स्टेबिलिटी कहते हैं। या तो नॉन फंक्शनल होंगे, या तो नॉन फंक्शनल प्रोड्यूस करेंगे, या अब्सेंट होंगे पोलन, तो इसे हम बोलेंगे मेल स्टेबिलिटी। उम्मीद करता हूँ मेल स्टेबिलिटी आप समझ गए होंगे। सेकेंड अनदर टॉपिक इज
सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स अनेबल टू, ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, और सेल्फ पॉलिनेशन हो भी जाता है तो जाइगोट प्रोड्यूस नहीं होगा। मीन्स सेल्फ इनकम्पेटेबल स्वपरागण में सेल्फ के जो पॉलिनेशन करने में असमर्थ होते हैं, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मीन्स स्वपरागण नहीं करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन है वो भाग नहीं लेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, तो इसे हम सेल्फ कंपेटेबिलिटी बोलते हैं। मीन्स जो पॉलन ग्रेन है फंक्शनल होंगे, इसमें जो पॉलन होंगे फंक्शनल होंगे बट अनेबल टू सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, और सेल्फ पॉलिनेशन होगा भी तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द अनेबिलिटी, इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस जाइगोट आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन इन ए फर्टाइल हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स। द इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस जाइगोट आफ्टर द सेल्फ पॉलिनेशन इन ए फर्टाइल हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स मीन्स जो फर्टाइल हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स होते हैं उनमें जाइगोट प्रोड्यूस नहीं होगा आफ्टर सेल पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन में जाइगोट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में होगा। पॉलन आर फंक्शनल बट अनेबल टू सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, होगा भी तो जाइगोट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में भाग लेंगे। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में जो पॉलन होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे, इन्हें हम सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, और ये टर्म थे सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी, ये दोनों ही जो टर्म्स हैं ये कोलरेटर ने दिए थे। ये दोनों ही टर्म्स कॉलरेटर ने इन्हें सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी को। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मेल स्टेरिलिटी में जो है पॉलन ग्रेन नॉन फंक्शनल होते हैं और वे ना तो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं ना क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, नॉन फंक्शनल होंगे तो पॉलिनेशन का मतलब ही नहीं बनता है। तो ये जो इस प्रकार के जो पॉलन ग्रेन होते हैं नॉन फंक्शनल या एब्सेंट होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं मेल स्टेरिलिटी, और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में पॉलन ग्रेन फंक्शनल होते हैं बट अनेबल टू सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन भाग नहीं लेंगे, और सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे भी तो जाइगोट प्रोड्यूस
नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस जाइगोट आफ्टर द सेल्फ पॉलिनेशन इन ए फर्टाइल हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स दैट इज कॉल्ड, दैट्स आर कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी, ये दोनों टॉपिक है। आपसे आग्रह है एग्जाम से संबंधित जो भी AGTA, STA, ADHO की तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड और भी टॉपिक चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग उन्हें देखें। कुछ सीरीज पड़ी हुई हैं, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, इस तरह की सीरीज पड़ी हुई हैं। निश्चित तौर पर वो परीक्षाओं में आप सबके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगी, आप एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।